सो हेलो गाइज, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। एंड बेसिकली इन दिस वीडियो आई विल शो यू अबाउट मैथड चेनिंग इन PHP। सो गाइज, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हम मैथड चेनिंग को कैसे अचीव कर सकते हैं PHP के अंदर। सो मैथड चेनिंग जो है एक कॉन्सेप्ट है PHP के अंदर, जो PHP 5 के अंदर इंट्रोड्यूस हो गया था और अब तो PHP 7 चल रहा है। बहुत नए नए कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं अपने वीडियो ट्यूटोरियल्स में जितने कॉन्सेप्ट हो सकें, और चाहे वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट हो या नॉर्मल कुछ भी ऐसा कॉन्सेप्ट, कोई नए फीचर्स मैं ज़रूर इनको अपडेट करता रहूँ। सो गाइज, आज जो हम कॉन्सेप्ट करने वाले हैं, हमारी जो सीरीज़ चल रही है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट इन PHP, उसमें आज हम देखेंगे मैथड चेनिंग। सो गाइज, दिस इज़ माई चैनल ट्यूटोरियल पॉइंट 2016, और इसकी प्लेलिस्ट में एक बार लेके चलता हूँ मैं आपको। अभी हम जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल फॉर बिगनर इन PHP। सो इसके अंदर हमने सारे के सारे जितने भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट हैं हम सारे देख चुके हैं, और जो हमने प्रीवियस सेशन देखा था टाइप हिंटिंग, जो हमारा पार्ट 16 था, मतलब कि हम 16 कॉन्सेप्ट अभी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर देख चुके हैं। और जो आज का कॉन्सेप्ट रहेगा मैथड चेनिंग, वो है पार्ट 17, जो 17th वीडियो होगी हमारी। सो गाइज, मैथड चेनिंग का कॉन्सेप्ट से पहले हम पिछली वीडियो में देखा था टाइप हिंटिंग। सो अगर आपको टाइप हिंटिंग सीखना है PHP में क्या होता है, तो आप मेरी ये वीडियो देख सकते हैं। और आज का जो वीडियो रहेगा वो 17 वीडियो रहेगा। सो गाइस, देखते हैं मेथड चेनिंग एक्चुअली है क्या। पर उससे पहले मैं छोटा सा एक कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूँ मेथड चेनिंग से पहले, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अभी हमने टाइप हिंटिंग देखा था पिछले सेशन में। टाइप हिंटिंग तो नहीं है, बट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो मोस्टली हम यूज़ करते हैं। सॉरी, अगर आप अपने जितने भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट इनको अगर आप स्ट्रॉन्ग कर लेते हो, तो आप फ्रेमवर्क में इजीली काम कर पाते हो। ये मेरा जो चैनल है, मैंने इसमें जो फ्रेमवर्क इंट्रोड्यूस किया है, उसकी प्लेलिस्ट एक इंट्रोड्यूस किया है, जिसको मैंने इंट्रोडक्शन भी दिया था। फ्रेमवर्क होता क्या है, क्या है केक PHP एक फ्रेमवर्क है। ऐसे PHP में बहुत सारे फ्रेमवर्क है जिसमें आप काम कर सकते हो। केक PHP है, लेरेविल है, कोऑर्डिनेटर है, ये सारे फ्रेमवर्क हैं। इनकी हेल्प से आप किसी भी वेबसाइट को फास्ट रैपिड डेवलप कर सकते हो। फ्रेमवर्क आपको ये हेल्प करता है कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कोई डिज़ाइन पैटर्न यूज़ कर लेगा वो, जिसकी हेल्प से हम कोडिंग, अगर हम कोई फ्रेमवर्क यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम नॉर्मल PHP यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें क्या है कि आप ऐसा नहीं है, उसमें भी आप डिज़ाइन पैटर्न यूज़ कर सकते हो, बट इट विल टेक सो मच टाइम, बहुत ज़्यादा टाइम लेगा। बट इन केस ऑफ फ्रेमवर्क, बने बनाए फंक्शन है, यू नीड टू कॉल दैट फंक्शन एंड इट विल ऑटोमेटिकली वर्क, उसके हिसाब से वो काम करने लग जाएगा। तो फ्रेमवर्क में ये चीज़ होती है। तो फ्रेमवर्क, अगर आपको फ्रेमवर्क में काम करना है, तो यू नीड टू नो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट, जो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे हमारे ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट हो जाएंगे, उसके बाद अभी जैसे आज मैं ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट, जैसे आज हम मेथड चेनिंग देखेंगे, उसके बाद मैं एक नई प्लेलिस्ट क्रिएट करूँगा, क्योंकि इस प्लेलिस्ट के जितने ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट मैं आपको बता चुका हूँ सारे, कंस्ट्रक्टर हो गया, एब्स्ट्रैक्ट क्लास हो गया, इंटरफेस हो गया, स्टैटिक कीवर्ड हो गया, डिपेंडेंसी इंजेक्शन हो गया, ट्रेट्स हो गया, और टाइप हिंटिंग हो गया, यहाँ तक कि आज हम मेथड चेनिंग भी देखेंगे। तो अभी इतने कॉन्सेप्ट काफ़ी हैं। बाकी हम जैसे अभी इसके बाद मैं शुरू करने वाला हूँ कर्ड ऑपरेशन MySQL का यूज़ करके और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट का यूज़ करके हम कर्ड ऑपरेशन को कैसे अचीव कर सकते हैं। सो इसके बाद जो मेरा ट्यूटोरियल इसी प्लेलिस्ट में मैं कंटिन्यू करूँगा, और हम पूरा के पूरा देखेंगे कर्ड ऑपरेशन। जब हम पूरा कर्ड ऑपरेशन सीख जाएंगे, फिर हम चलेंगे फ्रेमवर्क में। सो अभी मेरा जो टारगेट रहेगा KPHP रहेगा, फिर लेरेविल, फिर कोऑर्डिनेटर, इस पर हम काम करना शुरू करेंगे। सो गाइस, ये था, मतलब मैंने पूरा इंट्रोडक्शन दिया आपको कि हम कैसे चलने वाले हैं। और साथ ही साथ मैं आपको थोड़ा बता दूं कि ये तो 18 वीडियो में आज हमारी इसमें हो गई, या 19 वीडियो होगी। बूटस्ट्रैप भी हम साथ साथ कर रहे हैं, बाकी ये जो आप देख रहे हैं PHP एंड PHP++। सो गाइस, ये मेरी एक प्लेलिस्ट है PHP एंड PHP++ ट्यूटोरियल। इसके अंदर मैंने कर्ड ऑपरेशन बताया है, बट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट के साथ नहीं है। आप इसमें पूरा कर्ड ऑपरेशन सीख सकते हो, जैसे इसमें हमने कर्ड ऑपरेशन है, और कि ड्रॉप डाउन में अगर वैल्यू लानी हो कैसे लेके आ सकते हैं, मल्टीपल रोज को, अगर जितना भी इसमें मैंने यूज़ किया है, सेशन कुकी एवरीथिंग इसमें बिना ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के है। अगर आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट सीखने हो, तो आप इस प्लेलिस्ट में से सीख सकते हो। ये बूटस्ट्रैप में मैंने जो ये बूटस्ट्रैप ट्यूटोरियल है, इसमें मैंने पूरा स्टार्टिंग से बताया है कैसे हम बूटस्ट्रैप को कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। इसमें भी हम वीडियोस अपलोड करेंगे, बट अभी मेरा जो मेन फोकस रहेगा वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट पे, कर्ड ऑपरेशन इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड और KPHP। बाकी जैसे जैसे इस पर हम ग्रोथ करते रहेंगे, तो हम डिज़ाइनिंग पे भी आएंगे। फिर बूटस्ट्रैप का यूज़ और अजैक्स का साथ साथ तो यूज़ बहुत ज़रूरी है। सो गाइज, आज हम देखेंगे मेथड चेनिंग। सो उम्मीद करता हूँ
बट इससे पहले मेथड चेनिंग को इम्प्लीमेंट करने से पहले मैं छोटा सा एक कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूँ, उसके बाद तक, क्योंकि क्योंकि वो कॉन्सेप्ट अभी हमने इतने सारे इंटरफेस इतनी सारी चीज़ें सीख चुके हैं, तो आई होप अभी आप कंफर्टेबल हो गए। तो मैं छोटा सा कॉन्सेप्ट यहाँ देख रहा हूँ जो मुझे लगा बताना चाहिए, क्योंकि मैं पिछली वीडियो में शायद वो थोड़ा सा बता नहीं पाया था। सो गाइस, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने क्लास क्रिएट की ABC, ठीक है, और इसके अंदर मैंने सिंपल एक पब्लिक वेरिएबल डिक्लेयर किया वैल्यू, और इसमें कोई मैसेज दे देते हैं हेलो आई एम वैल्यू, जस्ट एक नॉर्मल मैसेज दे देते हैं। इसका कोई मीनिंगफुल मतलब मैं कुछ ऐसा कुछ नहीं है कि इसके पीछे कोई लॉजिक बना रहे हैं, बट एक सिंपल एक मैसेज दे दिया। एक हमने एक क्लास और क्रिएट की XYZ, ठीक है। सो दे आर डिफरेंट काइंड ऑफ वेज, हमारे पास बहुत अलग अलग तरीके हैं जिसकी हेल्प से हम एक्सेस कर सकते हैं, बट अगर हम सारे तरीके सीख जाएँ तो कुछ ना कुछ कुछ तरीके अगर हमारे माइंड में रहते हैं तो हम एक्सेस कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने जो पिछली वीडियो में बताया था टाइप हिंटिंग में, मैं उससे ही बताऊंगा एक्सेस करने का तरीका, और नॉर्मल तरीका ही बताऊंगा। सुपर ऑब्जेक्ट और सब ऑब्जेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मैंने इसके अंदर एक कंस्ट्रक्टर बना लिया, पब्लिक फंक्शन और कंस्ट्रक्ट, और यहाँ पे हम सिंपल क्या करते हैं, एक वेरिएबल ले लेते हैं इस क्लास के अंदर। और क्यों लेंगे मैं भी बताता हूँ आपको। मैंने अभी क्या किया, सिंपल एक क्लास ली, उसके अंदर एक मैंने वैल्यू एक वेरिएबल लिया जिसमें हमने मैसेज दे दिया हेलो आई एम वैल्यू, और एक क्लास बनाई XYZ, उसके अंदर हमने क्या दिया पब्लिक एक वेरिएबल दिया, अभी ये वेरिएबल है, ठीक है। इसके बाद हमने सिंपल क्या किया, अब एक और चीज़ जो हम देखते आ रहे हैं और मैं हर वीडियो में बिल्कुल ये शेयर करता हूँ, इफ़ यू वॉन्ट टू एक्सेस एनी वेरिएबल और फंक्शन विद इन अ क्लास यू कैन यूज़ दिस कीवर्ड। दिस कीवर्ड इज़ यूज फॉर सेल्फ रेफरेंसिंग, क्लास की प्रॉपर्टी को एक्सेस करने के लिए विद इन अ क्लास या विद इन अ फंक्शन या अदर फंक्शन के अंदर यू कैन यूज़ दिस कीवर्ड। अब मैं क्या करूँगा यहाँ पे डॉलर दिस, क्योंकि मुझे ये ABC जो मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया है मुझे यहाँ यूज़ करना है। मैंने यहाँ पे सिंपल क्या किया ये, ठीक है, अभी मैं इसका मीनिंग आपको और बताऊँगा, मैं करके आ रहा हूँ एक्चुअली। मैंने यहाँ पे सिंपल क्या किया, एक्स ऑब्जेक्ट बनाया यहाँ पे किसका। अगर गाइज आपको ये चीज़ें समझ नहीं आ रही है, क्योंकि ये बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, मैं अपनी वीडियोस में बता चुका हूँ, आज हमारी वीडियो नंबर जो है वो 17 वीडियो है, तो प्लीज़ आप मेरी स्टार्टिंग वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, तभी आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आएंगे। मैंने यहाँ पे सिंपल एक ऑब्जेक्ट बनाया XYZ का। अब ये जो ऑब्जेक्ट है ना, ये XYZ का है, ना कि ABC का है। अब मुझे क्या करना है, मुझे ये एक्सेस करना है, मुझे ब्राउज़र पर क्या चाहिए, ये आउटपुट चाहिए, मुझे ये ब्राउज़र पर लिखा है हेलो आई एम वैल्यू। सो अब क्या करूँ मैं, तो मैंने सिंपल क्या किया, मैंने एक XYZ का ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है। और आपको पता है कि जब भी ऑब्जेक्ट बनता है कंस्ट्रक्टर अपने आप कॉल हो जाता है, और हमने सिंपल यहाँ पे क्या किया, न्यू और ABC। अब देखिए इसका मीनिंग मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे ही ये ऑब्जेक्ट बनेगा ये एक चीज़ कॉल हो जाएगी, इसमें हमने क्या लिखा है न्यू ऑब्जेक्ट, हमने कैसे क्रिएट किया न्यू XYZ, हमने यहाँ पे क्या किया न्यू ABC, हमने क्या किया यहाँ पे पब्लिक ABC जो है वेरिएबल था, अभी हमने क्या करा इसको पॉइंट किया। कहने का मतलब ये है कि जो ये ABC है ना, अब ये क्या हो गया हमारा, अब ये ABC जो है हमारा ये वेरिएबल ना होकर ऑब्जेक्ट हो गया। मतलब हमने इस क्लास का ऑब्जेक्ट, हमने XYZ के कंस्ट्रक्टर के अंदर इसको ऑब्जेक्ट बना लिया, ठीक है। तो सिंपल हमने दिस ABC करके यहाँ पे हमने ये चीज़ कर ली, मतलब कि दिस इज़ यूज फॉर सेल्फ रेफरेंसिंग, और ये वेरिएबल था जो हमने किसके लिए बनाया, स्पेशली इस क्लास के लिए, जो कि आगे जाके एज अ ऑब्जेक्ट वर्क करेगा। तो दिस क्या पॉइंट कर रहा है ABC को, और हमने क्या लिखा न्यू ABC। तो कहने का मतलब ये है कि अब ये क्या हो गया दिस ABC, ठीक है। अब मैंने सिंपल क्या किया, ऑब्जेक्ट वन ये आपका क्या है, सुपर ऑब्जेक्ट है किसका, XYZ का, और मैंने लिखा यहाँ पे ABC और यहाँ लिखा वैल्यू, सिंपल। अब इस सिंटेक्स, ये जो सिंटेक्स मैंने आपको बताया ऐसा, मैं इसलिए मैंने ये सिंटेक्स इसलिए बताया है, चाहे आप किसी भी फ्रेमवर्क में काम कर लो, यही तरीका होता है एक्सेस करने का। ऐसा ही कोड, ऐसा ही आप वे ऑफ कोड, जो मैं वे ऑफ कोड यहाँ लिख रहा हूँ, उसी तरीके को आप फ्रेमवर्क में भी देखेंगे। यहाँ हो क्या रहा है, आप ऑब्जेक्ट वन इज़ योर सुपर ऑब्जेक्ट, ABC इज़ योर सब ऑब्जेक्ट, एंड दिस इज़ अ वैल्यू ऑफ ABC क्लास, ये वेरिएबल है किसका, ABC क्लास का, जो प्रॉपर्टी बोल सकते हो आप, एक मीनिंगफुल नेम दे सकते हो। अगर मैं इसको ब्राउज़र पर रन कराऊंगा तो ये क्या देगा आपको, अब आउटपुट देगा क्या, हेलो आई एम वैल्यू। सो हमने किस तरीके से देखिए एक्सेस कर लिया, हेलो आई एम वैल्यू को हमने एक्सेस कर लिया विद द हेल्प ऑफ दिस। अगर मैं यहाँ पे सिंपल, मैं अगर इसको यहाँ से इको, अभी आई होप आपको ये कोड क्लियर होगा, हमने कुछ नहीं किया,
एबीसी हमने में एक वैल्यू बनाया, उसमें हेलो आई एम वैल्यू दिया, एक क्लास बनाई ए बी एक्स वाई जेड, उसमें एक कंस्ट्रक्टर बनाया, और ए बी सी एक वेरिएबल था जो आगे जाके एज अ ऑब्जेक्ट वर्क करेगा किसके लिए, ए बी सी क्लास के लिए। तो हमने दिस ए बी सी और न्यू ए बी सी, मतलब कि दिस ए बी सी अब ये ऑब्जेक्ट है किसका, ए बी सी क्लास का। सो अब देखिए यहाँ पे सिंपल मैंने ऑब्जेक्ट वन लिखा, किसका, पेरेंट ऑब्ज जो हमारी एक्स वाई जेड क्लास है, सुपर ऑब्जेक्ट और ये सब ऑब्जेक्ट और ये वैल्यू। दिस इज़ अ वे जो आप फ्रेमवर्क में देखने वाले हैं जब हम फ्रेमवर्क करेंगे, या जो लोग फ्रेमवर्क में काम कर चुके हैं उनको काफ़ी इसका आइडिया होगा। अब मैं क्या करता हूँ, अगर मैं इसको यहाँ से ऐसे हटा दूँ, ठीक है, हमने खाली एक्स वाई जेड का ऑब्जेक्ट बनाया, और मैं यहाँ पे एक्सेस करने की कोशिश करूँ, तो क्या एक्सेस होगा, दिस ए बी सी और वैल्यू। तो गाइज यहाँ पे भी अगर आप करना चाहें तो वो चीज़ यहाँ भी कर सकते हैं, कोई चेंज नहीं आया आउटपुट में, तो आप यहाँ पे भी एक्सेस कर सकते हैं और उस तरीके से भी एक्सेस कर सकते हैं। सो ये होता है सुपर ऑब्जेक्ट और सब ऑब्जेक्ट के तरीके से, जो मैंने अभी आपको यहाँ बताया था इस कोड में। यहाँ तो सिंपल आपने एक्सेस कर लिया क्योंकि इसको ऑब्जेक्ट क्या है, कहीं ना कहीं यही ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अगर मैं अब ये तो हम ये आज नया तरीका देखा, बट अभी आपको अगर याद होगा तो हमने एक कॉन्सेप्ट सीखा था टाइप हिंटिंग, तो उसमें हमने क्या किया था, उसमें हमने गाइज ये किया था, देखिए हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया किसका, न्यू एक्स वाई जेड का, बट उससे पहले हमने एक और ऑब्जेक्ट बनाया ए बी सी, किसका, ए बी सी क्लास का। क्यों बनाया देखते हैं, और इस कोड को मैं यहाँ से अभी हटा देता हूँ, ठीक है, और इस ए बी सी को भी यहाँ से, इस ए बी सी को यहाँ रहने देते हैं। मैंने क्या करा, ये जो ए बी सी का ऑब्जेक्ट है मैंने पास कर दिया इस क्लास के ऑब्जेक्ट, मतलब इस क्लास के अंदर, कहीं ना कहीं मैंने ए बी सी का ऑब्जेक्ट बनाया और कहाँ पास कर दिया, एक्स वाई जेड के अंदर, जो एक्स वाई जेड का ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, ऑब्जेक्ट वन, और हमने कहाँ पास कर दिया इसके अंदर। अब ए बी सी को पास तो कर दिया, अब इससे क्या कंस्ट्रक्टर को लो, कंस्ट्रक्टर में ये रिसीव कर लेगा, और यहाँ हम टाइप स्पेसिफाई कर देंगे कि ये ऑब्जेक्ट किसका है, एबीसी क्लास का है, जो हमने कॉन्सेप्ट सीखा था टाइप हिंटिंग के अंदर। सो ये कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा था, तो मुझे लगा थोड़ा टाइप हिंटिंग भी मैं बता देता हूँ, थोड़ा रिवाइज हो जाएगा। सो गाइज अगर आपको टाइप हिंटिंग बिल्कुल क्लियर नहीं हो तो आप मेरी पिछली वीडियोज देख सकते हैं, इससे पिछले वाली वीडियो मैंने बताया था टाइप हिंटिंग। कहने का मतलब ये है यहाँ पे कि हमने एबीसी का ऑब्जेक्ट बनाया एबीसी, अब ए बी सी को कहाँ पास कर दिया हमने, एक्स वाई जेड के अंदर, एक्स वाई जेड का जो ऑब्जेक्ट बना रहे हैं उसमें हमने पास कर दिया, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बोल सकते हो इसको आप। अब ये क्या है, आपने ए बी सी पास किया, ए बी सी यहाँ गया, और किस टाइप का, ए बी सी का है, तो आप क्या करेंगे इसकी, इस ऑब्जेक्ट की हेल्प से हम वैल्यू को एक्सेस कर लेंगे, सिंपल। कोई चेंज नहीं आया आउटपुट में। तो अलग अलग तरीके हैं एक्सेस करने के, आप टाइप हिंटिंग की हेल्प से भी एक्सेस कर सकते हो, आप बिना टाइप हिंटिंग की हेल्प से भी, मैंने आपको दिखाया अभी एक्सेस करके, तो इस तरीके से आप डिफरेंट डिफरेंट वेज है एक्सेस करने के। सो गाइज ये थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट था, मुझे लगा बताना चाहिए। सो अब हम देखते हैं मेथड चेनिंग, और उसके बाद हम देखेंगे कि कैसे, मतलब मेथड चेनिंग को कैसे अचीव किया जाता है और क्यों यूज़ करते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल क्लास, मैंने एक क्लास बनाई ए बी सी, ठीक है, और इसमें मैंने बनाया पब्लिक फंक्शन फन वन, एक फंक्शन और बनाते हैं पब्लिक फंक्शन फन टू, एक फंक्शन और बनाते हैं पब्लिक फंक्शन फन थ्री, या ऐसे जितने फंक्शन आप बनाना चाहें बना सकते हैं। ओह सॉरी, अब हर किसी में एक मैसेज दे देते हैं फन वन फ्रॉम ए बी सी क्लास, ऐसे सब में मैसेज दे देते हैं, फन टू फ्रॉम ए बी सी क्लास एंड फन थ्री फ्रॉम ए बी सी क्लास, ठीक है। अब गाइज मेथड चेनिंग होता क्या है ये देखते हैं। तो अभी तो हमने फंक्शंस बना लिए हैं, मेथड चेनिंग कहाँ है इसके अंदर वो अब देखते हैं। हम सिंपल यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं इस क्लास का, ए बी सी क्लास का ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब मैंने सिंपल क्या किया, ऑब्जेक्ट से एक्सेस कर लिया अपना फंक्शन, ठीक है, और ब्राउज़र पर चलते हैं, आउटपुट क्या आया, फंक्शन वन फ्रॉम ए बी सी क्लास बिल्कुल चल रहा है। अब ऐसे ही मैं टू को भी कर सकता हूँ, टू के लिए भी क्या हो जाएगा, फंक्शन टू फ्रॉम ए बी सी क्लास, ऐसे ही थ्री के लिए। बट ये तरीका तो ठीक है कि इंडिविजुअल तो सारे एक्सेस हो रहे हैं, बट क्यों ना हम एक साथ सारे कॉल कराएं, ऐसा भी तो हो सकता है कि अगर मैं ऐसा भी कर लूं और उसके बाद दोबारा से फिर फंक्शन टू करूं एक्सेस, फिर दोबारा से मैं फंक्शन थ्री करूं एक्सेस,
क्या ये चीज़ ठीक है? इस केस में क्या होगा, इस केस में ये एरर दे देगा आपको। देखिए क्या एरर देगा, एरर पढ़ते हैं। फंक्शन वन फ्रॉम एबीसी क्लास तो चल गया, क्योंकि उसको आप, अगर एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर आप क्लास ऑब्जेक्ट में काम कर रहे हैं, आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट में काम कर रहे हैं, तो फंक्शन या वेरिएबल को बुलाने के लिए आपको ऑब्जेक्ट तो चाहिए ही चाहिए। तो कहीं ना कहीं आपने ऑब्जेक्ट बनाया और उस ऑब्जेक्ट से फंक्शन वन बुलाया, वो तो एक्सेस हो गया, बट फंक्शन टू एक्सेस नहीं हो सकता ना, फंक्शन थ्री एक्सेस हो सकता है, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, उस फंक्शन टू को बुला रहे हो फंक्शन वन की हेल्प से, ऐसे एक्सेस नहीं होगा वो। और ऐसे ही आप फंक्शन थ्री को बुला रहे हो फंक्शन टू की हेल्प से, नहीं, फंक्शन वन इसलिए एक्सेस हो गया क्योंकि उसको ऑब्जेक्ट की हेल्प से बुला रहे हो आप, ऑब्जेक्ट एरो ऑपरेटर फंक्शन वन, इसलिए आउटपुट क्या आ गया, फंक्शन वन फ्रॉम एबीसी क्लास। देखिए बट उसके बाद क्या आता है, कॉल टू मेंबर फंक्शन फन टू ऑन नल। कहने का मतलब ये है, सो गाइस देखिए आप यहाँ पे फंक्शन वन, फंक्शन टू, फंक्शन थ्री हम एक साथ बुलाना चाहते हैं, जो कि बिल्कुल ऐसा हो नहीं सकता। तो इस चीज़ को हम अचीव कर सकते हैं मेथड चेनिंग की हेल्प से। हम एक चेनिंग बना देंगे जिसकी हेल्प से ये तीनों कॉल हो जाएंगे एक साथ। कैसे कॉल होंगे अब देख समझने की कोशिश करते हैं। मैं फिर बताना चाहता हूँ एक बार, जैसे मैं एक बार दिखाता हूँ आपको। अभी तो एरर आ रहा है फंक्शन टू, ठीक है, ओके। सो अभी हम क्या करते हैं, इको कराया था मैं यहाँ पे, यस। तो अभी हमने देखा था कि आउटपुट हमारा क्या आ रहा था, फंक्शन वन फ्रॉम एबीसी क्लास, वो इसलिए चल रहा था क्योंकि वो ऑब्जेक्ट से बुला रहे हैं, ऑब्जेक्ट वन फंक्शन वन। बट फंक्शन टू, अब टू आप ऑब्जेक्ट से नहीं बुला रहे, आप फंक्शन वन की हेल्प से बुला रहे हैं, और फंक्शन थ्री आप फंक्शन टू की हेल्प से बुला रहे हैं। तो हमें ये पता है कि हमने ये सीखा हुआ है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर अगर आपने कोई भी फंक्शन या वेरिएबल को बुलाना है, तो आप ऑब्जेक्ट की हेल्प से ही बुलाएंगे। देखिए मैं इसको थोड़ा सा और समझाने की कोशिश करता हूँ। मैं सेमी कोलन लगाता हूँ यहाँ पे, और मैं यहाँ पे इसको वार्डम करता हूँ। वार्डम एक एक्सप्रेशन आप यूज़ कर सकते हो, इसमें आपको पूरा बताया गया, ये वार्डम चेक एरर चेकिंग के लिए होता है। आप यहाँ पे सिंपल वार्डम किया है मैंने, उसको समझते हैं क्या आउटपुट आया। फंक्शन फ्रॉम एबीसी क्लास तो आया, साथ में इसने क्या दिया, नल दिया, नल। बट अगर मैं इको को हटा के रिटर्न कर दूँ, तो ये नल नहीं देगा, ये क्या देगा, देखिए फंक्शन वन फ्रॉम एबीसी क्लास, और उसने क्या दिया, स्ट्रिंग दिया, मतलब कि वापस में रिटर्न, रिटर्न क्या करता है, रिटर्न क्या करेगा, उस ऑब्जेक्ट को वापस क्या दे देता है, स्ट्रिंग। क्या दे रहा है अभी ये वापस हमें, स्ट्रिंग दे रहा है। क्या दे रहा है, फंक्शन फ्रॉम एबीसी क्लास, और इसने हमें वापस क्या दिया, स्ट्रिंग। आई होप गाइस आपको क्लियर होगा मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। अगर मैं सिंपल इको कराता हूँ तो क्या देता है, नल। बट अगर मैं रिटर्न करवाता हूँ तो मुझे क्या दे रहा है, वो रिस्पेक्ट में, उसकी रिस्पेक्ट में आउटपुट तो दे रहा है, बट वो क्या बता रहा है, अब आपको स्ट्रिंग दे रहा है, ना कि नल दे रहा है। बट इसी तरीके से हम क्या करते हैं मेथड चेनिंग को अचीव करने के लिए, आप सिंपल क्या कीजिए, यहाँ पे मैं और इसको अभी सिंप्लीफाई करूँगा। फंक्शन बुला रहे हैं आप, बुलाइए। और अब मैं यहाँ क्या करने वाला हूँ, रिटर्न, ये तो ई को ही रहने देते हैं इसको, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, रिटर्न ये फंक्शन, क्योंकि अब मैं क्या रिटर्न करा रहा हूँ, डॉलर दिस, डॉलर दिस क्यों रिटर्न करा रहा हूँ, देखिए जब ये रिटर्न, अभी ये क्या कर रहा था, ये स्ट्रिंग, ये रिटर्न क्या कर रहा था, ये टेक्स्ट रिटर्न कर रहा था, और वो मैसेज क्या दे रहा था, स्ट्रिंग। अगर मैं आप डॉलर दिस रिटर्न करवाऊंगा, इसका मतलब पता है क्या है, ये फंक्शन पूरा के पूरा रिटर्न कर देगा। अभी ये फंक्शन क्या था, एज अ नल, अभी नल, क्योंकि जब हम स्टार्टिंग में भी हमने देखा था, मैं दोबारा दिखाता हूँ आपको। और अगर मैं यहाँ पे इसको वार्डम में डाल दूँ, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो मैं नहीं चाहता कि कुछ स्किप हो, इसको हम देखते हैं। तो अभी क्या देगा, नल देगा, देखिए नल, कुछ रिटर्न नहीं हो रहा। बट अगर मैं रिटर्न करवा दूं, देखिए, तो ये क्या देगा, ये कहेगा कि अब अभी स्ट्रिंग देगा आपको, ठीक है, अभी क्या दे रहा है, हमें स्ट्रिंग दे रहा है, अब ये तो स्ट्रिंग दे रहा है। अब हम क्या करेंगे, जब ये फंक्शन हम इस ऑब्जेक्ट से बुला रहे हैं ना, अब इस फंक्शन के पास हम क्या बुलाएंगे, रिटर्न करवाएंगे ऑब्जेक्ट, ना कि स्ट्रिंग, तो वो अलग चीज़ है। अब हम क्या करेंगे, वापिस हम क्या रिटर्न करवाएंगे, ऑब्जेक्ट, ताकि इस फन वन से हम क्या बुला सके, फंक्शन टू। देखिए कैसे, मैं यहाँ से इसको हटाता हूँ, और सिंपल यहाँ पे इको जैसे जैसा चल रहा था वैसे ही, बट इस बार रिटर्न क्या करवाएंगे हम, ये टेक्स्ट नहीं, ये तो प्रिंट हो जाएगा, हम कराएंगे रिटर्न डॉलर दिस। इससे क्या होगा, ये वापस रिटर्न तो होगा, वापस यहीं पर रिटर्न होगा, देखिए ऑब्जेक्ट वन फन वन। अब मैं इसको प्रिंट, इसको फिर मैं वार्डम करता हूँ, देखते हैं क्या रिटर्न, इस बार स्ट्रिंग करता है या क्या करता है, बहुत इंपॉर्टेंट होगा देखना।
अगर स्ट्रिंग की जगह ऑब्जेक्ट किया तो मतलब क्या है, फन वन अब क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। देखिए क्या कर रहा है अब ये एबीसी, मतलब ऑब्जेक्ट एबीसी वन, मतलब कि अब ये क्या रिटर्न कर रहा है, ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है इस पोजीशन पे। देखिए ऑब्जेक्ट एबीसी वन, कहने का मतलब ये है। अब देखिए मैं इस वार्डम को एक बार हटाता हूँ, और अब मैं क्या करता हूँ, फंक्शन टू एक बार देखें ब्राउजर पे क्या आ गया, फंक्शन वन फ्रॉम एबीसी क्लास और फंक्शन टू फ्रॉम एबीसी क्लास। तो देख रहे हैं गाइस आप कैसे हमने एक्सेस कर लिया। अगर फंक्शन थ्री बुलाऊंगा तो क्या चलेगा, नहीं चलेगा, क्योंकि देखते हैं क्यों नहीं चलेगा, नहीं चला बिकॉज फंक्शन टू को भी हमें क्या करना पड़ेगा, रिटर्न करवाना पड़ेगा इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट, रिटर्न डॉलर दिस। अब चाहो तो आप रिटर्न डॉलर दिस यहाँ भी लिख सकते हो, बट अगर फंक्शन आगे और हैं तो आप लिखिए, वरना लास्ट फंक्शन के लिए आपको लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखिए फंक्शन वन फ्रॉम एबीसी क्लास, फंक्शन टू फ्रॉम एबीसी क्लास एंड फंक्शन थ्री फ्रॉम एबीसी क्लास, हमने एक साथ एक्सेस कर लिया सारे फंक्शन को। सो गाइज दिस इज अ मैथड चेनिंग, और वाई वी यूज मैथड चेनिंग, बिकॉज इन फ्रेमवर्क वी यूज दिस टाइप ऑफ सिंटेक्स। हम फंक्शंस को एक्सेस करने के लिए ये सिंटेक्स अडॉप्ट करते हैं, चाहे लेरेवल हो या कोऑर्डिनेटर हो या केक पीएचपी हो, कोई भी फ्रेमवर्क हो, इस तरीके की अप्रोच को हम मोस्टली यूज़ करते हैं। मेथड चेनिंग इज़ वन ऑफ देम, या आप कोई भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट ले लें। सो मैं इसको फिर बताने की कोशिश करता हूँ हमने करा क्या है। अभी हम रिटर्न जब कर इस टेक्स्ट को रिटर्न करा रहे थे तो हमें क्या दे रहा था, वो स्ट्रिंग, और अगर हम कुछ भी रिटर्न नहीं कराते तो हमें क्या देगा, नल। तो अभी किसी भी ऑब्जेक्ट, अगर किसी भी फंक्शन को आपने बुलाना तो आप ऑब्जेक्ट की हेल्प से बुलाएंगे। ऑब्जेक्ट वन आपने फंक्शन को बुलाया, उससे क्या हुआ, आपको वो आउटपुट मिल जाएगा। बट ये फंक्शन क्या है, अभी ये फंक्शन इतना कैपेबल नहीं है ये इस फंक्शन को बुला पाए। इसके लिए हम क्या करते हैं, रिटर्न दिस कर देते हैं। जैसे ही रिटर्न दिस करेंगे तो ये यहाँ जाएगा, और ये फंक्शन अब अपने आप में एज अ ऑब्जेक्ट वर्क करेगा। मतलब ऑब्जेक्ट तो नहीं है ये, ऑब्जेक्ट तो फाइनली ऑब्जेक्ट वन ही है, बट एक इमेज बना देगा ऑब्जेक्ट की इसकी रिस्पेक्ट में, ताकि इसकी हेल्प से हम फंक्शन टू को बुला सकें। सो गाइज ये है तरीका मेथड चेनिंग को अचीव करने का पीएचपी के अंदर। आई होप काफ़ी क्लियर होगा, अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट छोड़ सकते हैं, मैं ज़रूर उसका आंसर करूँगा। सो गाइज ये था मेथड चेनिंग आज हमने देखा, और एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, इससे पहले हमने देखा था सुपर ऑब्जेक्ट और सब ऑब्जेक्ट, और हमने पूरा के पूरा कॉन्सेप्ट आज मेथड चेनिंग का देखा। आई होप काफ़ी क्लियर होगा आपको। सो गाइज इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, अगर आप और वीडियो चाहते हैं तो। एंड सी अभी आज हमने आज ये वीडियो अपलोड हो जाएगी 17 वीडियो जो कि मेथड चेनिंग की है। तो गाइज टोटल 19 वीडियो इसमें मैं अपलोड कर चुका हूँ। एक बेसिक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट समझने के लिए वीडियो काफ़ी हैं अभी, बाकी जितनी चीज़ें और नई आएंगी या मैं अगर कुछ सीखता हूँ तो मैं ज़रूर आप लोगों से शेयर करूँगा। और अब जो मैं इस वीडियो के बाद करूँगा शुरू, वो है कर्ड ऑपरेशन इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, पीएचपी में कैसे हम कर्ड ऑपरेशन को अचीव करें बट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के साथ, तो हम वो देखेंगे गाइस। और साथ में मैं केक पीएचपी थोड़ा सा मैंने इंट्रोड्यूस किया था पहली फर्स्ट वीडियो में, अपलोड कर चुका हूँ, तो थोड़ा सा इसमें ही मेरी कोशिश रहेगी कि मैं वो उसमें ही वीडियो अपलोड करता रहूँ, और ताकि हम साथ साथ चलेंगे तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट हम देखेंगे कैसे इंप्लीमेंट हो रहे हैं फ्रेमवर्क के अंदर। सो थैंक यू सो मच गाइस एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू।